हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके एक सब्जेक्ट ग्लोबल पॉलिटिक्स के असाइनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस की हैं। एंड दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो ये असाइनमेंट है ये आप लोगों को कल सबमिट करना है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को दोनों क्वेश्चन आंसर की वीडियो प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप लोग जाकर जल्दी से अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर कीजिए और कल टाइम पर आप लोग अपने असाइनमेंट को सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, चलिए फटाफट से हम हमारे क्वेश्चन नंबर टू के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है विश्व बैंक और IMF के बीच अंतर कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में बताना है। तो दोस्तों, इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वन बाय वन करके सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि ब्रेटन वुड प्रणाली का निर्माण अगस्त 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और 42 अन्य राज्यों ने संयुक्त राष्ट्रीय के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर के छोटे से रिस्पोर्ट शहर में मुलाकात की, जिसका कार्य युद्ध उपरांत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और मौद्रिक प्रणाली के लिए संस्थागत वास्तुकला तैयार करना था। ब्रेटन वुड प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम तीन नई इकाइयों की स्थापना थी जिसने सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ये निकाय थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, जो 1947 में प्रचलन में आई, जिसका कार्य मुद्रा विनियम की सुचारू ढंग से देख रेख करना था। दूसरा है इंटरनेशनल बैंक फॉरम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, जो जून 1946 में प्रचलन में आया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में सहयोग देना था। और तीसरा है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड टायर, जिसे 1985 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि गेट को आमतौर पर ब्रिटेन वुड व्यवस्था के हिस्से के रूप में देखा जाता है, ये व्यापार और रोजगार के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा बनाया गया था और जनवरी 1948 में प्रचलन में आया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली गाइस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरी व्यवस्था है वो सब कुछ चरमरा गई थी। ऊपर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के दौर को तो सबने ही देखा था। तो दोस्तों, जब शीत युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद सभी लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ आई कि अब पूरे विश्व को एक सही तरीके से चलाना है, जिसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ी, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस थी विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसी के अंदर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसे हम गेट या फिर WTO के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर आपसे WTO के बारे में नहीं पूछा गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ। जस्ट ये पॉइंट आप लोग मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को बतानी ज़रूरी है जब आप ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो ये ईयर्स हैं आप लोग इनको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जो 1945 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। वर्तमान में इस संगठन के 179 सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसके प्रतिनिधि मंडल की शर्त एक औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसे इसके सदस्य देशों द्वारा
अनुबंधित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रकृति इसके निर्णय लेने की संरचना में परिलक्षित होती है। इस कोष का संरचना एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा किया जाता है, जो प्रत्येक सदस्य देश के एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर से मिलकर बनता है। इसका मुख्य कार्य विश्व के सभी सदस्य देशों को लघु अवधि के विदेशी मुद्रा देनदारियों की खरीद, सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार का आवंटन इत्यादि सम्मिलित है। भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों की सहायता करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। सो दोस्तों, IMF के बारे में आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने असाइनमेंट के अंदर लिखनी है। बेसिकली दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई थी वो 1945 में की गई थी। इसके 179 सदस्य देश हैं। एंड दोस्तों, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुद्रा है उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करती है, और टाइम आने पर ये अपने मेंबर्स कंट्री को लोन भी देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास एवं विनिमय दरों का स्थिरीकरण, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति तथा बहुपक्षीय भुगतान, भुगतान संतुलन की समस्या की स्थिति में सदस्य देशों को आर्थिक सहायता की उपलब्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में आने वाले संकट का निपटार तथा उनकी अवधि में कमी। तो दोस्तों, ये 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य कार्य हैं। इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक नए वित्तीय आदेश की निगरानी के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौते द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को सुगम बनाना, विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना, विदेशी मुद्रा प्रतिबंधों को दूर करके वित्तीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना था। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पूरा पॉइंट ध्यान रखना है IMF से रिलेटेड। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा IMF वाला पॉइंट। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए आप लोगों को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए विश्व के सभी आवश्यकता प्राप्त देशों को ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का साझेदार संगठन है। दोनों ही संगठन ब्रेटन वुड समझौते के द्वारा अस्तित्व में आए थे। विश्व बैंक 2 बैंकों से मिलकर बना है, एक है IBA का है IDA। इसलिए कभी कभी विश्व बैंक को इंटरनेशनल बैंक फॉरम रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय Washington DC में स्थित अमेरिका में है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई हैं आपको वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। दोस्तों, बेसिकली वर्ल्ड बैंक एक विश्व बैंक है जो ज़रूरत पड़ने पर अलग अलग कंट्रीज़ को लोन देता है। इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका की राजधानी Washington DC के अंदर है। और वर्ल्ड बैंक को ये एक सिंगल बैंक नहीं है, बल्कि ये 2 बैंकों से मिलकर बना है। पहला है IBRD और दूसरा है IDA। तो दोस्तों, आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है, काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि वर्ल्ड बैंक को ये एक सिंगल बैंक है। नहीं दोस्तों, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है। और दोस्तों, वर्ल्ड बैंक को जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसका साझेदार संगठन ही माना जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा यानी कि समझौते के द्वारा हुई थी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पूर्ण निर्माण और विकास कार्यों में आर्थिक सहायता देना एवं विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी अनुमूलन के प्रयास करना है। सो दोस्तों, ये है हमारे वर्ल्ड बैंक का काम। बेसिकली ये लोन देता है और कोशिश करता है कि जो देश में, जो वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं, उनकी ये हेल्प कर सके, उनकी ये मदद कर सके और गरीबी को देश पूरे विश्व से मिटा सके। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, IBRDA ने जून 1946 में काम करना प्रारंभ किया।
विश्व बैंक के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं: आर्थिक पूर्ण निर्माण और विकास के लिए सदस्य देशों को दीर्घकालीन पूंजी प्रदान करना, भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी निवेश को प्रेरित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना और सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर को उच्च उठाना। सो दोस्तों, ये 3 से 4 काम हैं जो कि वर्ल्ड बैंक करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। बेसिकली गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF में डिफरेंस देखेंगे तो दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि IMF सिर्फ और सिर्फ पूंजी से रिलेटेड काम देखती है और लोगों जितने भी हमारे देश हैं उनकी सहायता करती है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का काम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। वर्ल्ड बैंक का काम पूंजी की मदद से सहायता करना भी है विभिन्न देशों की, लेकिन उसका मकसद ये भी है कि जो पूरा विश्व है उसके अंदर सभी देशों का विकास हो। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतर। द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को भारी क्षति पहुँचाई, जिसके 1945 में युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए अर्थव्यवस्थाओं के पूर्ण निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत महसूस की गई। IBRD का गठन दिसंबर 1945 में ब्रेटन वुड सम्मेलन की सिफारिश के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही हुआ था। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड जुड़वा यानी कि ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों, दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों को साथ में इसलिए स्टडी किया जाता है क्योंकि ये दोनों एक ही सम्मेलन यानी कि ब्रेटन वुड सम्मेलन के अंदर इन दोनों का निर्माण किया गया था और दोनों लगभग एक ही साल के अंदर अस्तित्व में आई थी। एक ही साल के अंदर दोनों ने काम करना शुरू किया था, इसलिए इन्हें ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष राज्यों को भुगतान संतुलन के संकट से निपटने के लिए छोटी अवधि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है, वहीं विश्व बैंक के द्वारा राज्यों को आर्थिक विकास के लिए लंबी अवधि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें समान मतदान प्रणाली है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में और विश्व रूप से 1980 और 90 के दशक में देशों की ताकत को ध्यान में रखते हुए दी गई थी। तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को वर्ल्ड बैंक और IMF में डिफरेंस बताया, वही डिफरेंस यहाँ पर भी बताया गया है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए लंबी अवधि के लिए लोन देता है, जबकि IMF छोटी अवधि के लिए लोन देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तब लोन देता है IMF जब किसी देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि कहने का मतलब ये है उत्पन्न हो तब IMF लोन देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की मौद्रिक प्रणाली का एक नियंत्रक है, विश्व बैंक एक वैश्विक वित्तीय संस्था है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मौद्रिक प्रणाली का एक नियंत्रक है और वर्ल्ड बैंक विश्व स्तरीय वित्तीय संस्था है। IMF ने आर्थिक स्थिरता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि विश्व बैंक विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि पर जोर देता है। विश्व बैंक का आकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकार से 3 गुना अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन एक तामस संगठन है, जबकि विश्व बैंक द्विपक्षीय संगठन है। वर्तमान में IMF के 188 सदस्य देश हैं, लेकिन अगर हम विश्व बैंक की बात करें तो IBRD के 188 सदस्य देश हैं और IDA के 172 सदस्य देश हैं। सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अस्तित्व में आया, इसके विपरीत विश्व बैंक ऋण देने की सुविधा के लिए बनाया गया। सो दोस्तों, ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच में। तो दोस्तों, आप लोगों से डिफरेंस ही पूछा गया, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट को आप लोग अपने असाइनमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सो दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को जस्ट एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है जो कि आप लोग खुद से लिखिएगा, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से ये पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड यस गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।